हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5 यानी कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको एक एक चीज पूरा समझ में आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस एक बार सुनना है और सुनते ही हर एक चीज आपको याद होता जाएगा और आप ऑन वर्ड अपने शब्दों में उसको लिखते जाओगे, ठीक है। चलो एक एक करके हर चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि मैनेजमेंट का 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। सबसे पहला होता है प्लानिंग करना, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग करना, तीसरा स्टाफिंग करना, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के बाद ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग करना। अब सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझते हैं कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल सा बात है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है साथ साथ मिल करके किसी भी काम को करना, साथ साथ मिलके किसी भी काम को करना। जैसे सपोज कर लो कि अगर मान लो कि हम आप अगर मान लो अभी पढ़ने बैठे हैं, ठीक है। तो पढ़ने जब बैठे हैं, आप जब अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सभी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके पढ़ रहे हो। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, हो सकता है आपके पास ईयरफोन या हेडफोन होगा, इसके बाद मोबाइल दे के रखें, आपके सामने कॉपी होगा, पेन होगा, किताब होगा, ये सारा चीज़ को आप ऑर्गेनाइज करके काम कर रहे हो। आपका मेन मोटिव है पढ़ना और उस पढ़ने के लिए बाकी सारे चीज़ों का आप जुगाड़ कर रहे हो ताकि वो चीज़ सही तरीके से हो सके। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऐसे समझो कि सपोज कर लो अगर आपको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए आपको बॉडी का कई सारा पार्ट्स काम करेगा। खाना खाना है, देखो आपको रोटी खाना है तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? हाथ से। हाथ से आप रोटी को तोड़ोगे तो सबसे पहला बॉडी का कौन सा पार्ट काम किया? हाथ। अब आप उसको लेकर के मुंह में डालोगे तो आपका मुंह काम कर रहा है, फिर उसका आपके बाद दांत काम करेगा, फिर जीभ काम करेगा, फिर गला काम करेगा, फिर बाकी का पार्ट जो है वो काम करेगा। आपका मेन मोटिव था रोटी खाना और रोटी खाने के लिए ये काम पूरा हो इसलिए आप अपने बॉडी के एक एक पार्ट को एक साथ काम पे लाए, तब जाकर के आपका खाना खाने का काम कंप्लीट हुआ। यही चीज ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है कि सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी चीज को अरेंज करना जिससे आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो जाए। जैसे कि सपोज कर लो, अब देखो इसको अच्छा से समझना है, हम आपको बोल रहे हैं कि ये हम लोगों का एक बिजनेस है, ठीक है। ये पता है ना, कोई भी जो कंपनी होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप बोलोगे कि सर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ये भी समझ लो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है संगठन। अब बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है समझना। हाँ, सिंपल सा बात है, लोगों का एक ग्रुप जिस जगह पे साथ साथ मिलकर के काम करता है, लोगों का ग्रुप जिस जगह पे मिलकर के साथ साथ काम करता है और वो सभी लोग जो है एक कॉमन या एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है। सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव्स एक ही होता है। लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो साथ साथ मिलकर एक जगह काम करता है और जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लोगों का ग्रुप काम करता है, उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि एक कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं और कंपनी का एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, प्रोडक्शन करना। कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, बैंक, बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपका स्कूल मान लो, आपका कॉलेज मान लो, ठीक है, स्कूल मान लो, कॉलेज मान लो, महिला समिति मान लो, महिला समिति मान लो, ये सब चीज़ जो है एक्चुअल में क्या है? ये सब चीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। लोगों का ग्रुप एक जगह पे मिलके काम कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ही जो है ऑर्गेनाइजिंग के लिए वर्ड यूज कर दिया जाता है, लेकिन हम ब्रीफ में बता रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ। सपोज कर लो आपका ये एक कंपनी है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उन सभी को अच्छे तरीके से काम करवाना है तो उन सभी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपको हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट काम करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करता है। इसके बाद सपोज कर लो आपका ये जो कंपनी है, सपोज कर लो आपका कंपनी में क्लोथ्स, यानी आपका कंपनी में मान लो कपड़ा बनता है, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपकी कंपनी में, कई सारे डिपार्टमेंट हैं, तो हर डिपार्टमेंट्स को आपको एक साथ काम करवाना होगा। एक डिपार्टमेंट होगा जहां आपका ऊन से या तो फिर आपका मान लो कि कपास से या भेड़ का बाल से धागा बनेगा। एक डिपार्टमेंट में होगा जहां पे वो सपोज कर लो साफ होगा, उसको धागों में पिरोया जाएगा। एक डिपार्टमेंट में उसको जो है आपस में सील करके बड़ा सा जो है वो कपड़ा का थान बनाया जाएगा।
आगे डिपार्टमेंट पे उसका कलर होगा, नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे उसका कटाई होगा, सिलाई होगा, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कपड़ा बनेगा, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ब्रांडिंग और पैकेजिंग होगा। तो इतना सारा जो डिपार्टमेंट है, आपको इन सारे डिपार्टमेंट को अच्छा से तालमेल बैठाना है, अच्छा से इन सबको आपको ऑर्गेनाइज करना है, यही चीज आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ठीक है, अब बेसिकली याद रखना कि ये जो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अभी बस हम आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं कि जो हम लोगों का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज, याद रखना ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके का, एक होता है हम लोगों का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जी, एक होता है हम लोगों का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है हम लोगों का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बस थोड़ा सा मेन चीज समझ लेना दोनों में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। सिंपल याद रखना, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहा है, सर्विस करने के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, सर्विस कर रहा है दूसरों का, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसके ऊपर टॉप क्वेश्चन जो है इस साल हमको लगता है बन करके आएगा, जिसको हम वीडियो में अभी आप लोगों को आगे बताएंगे। क्लियर है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मेन चीज ऑर्गेनाइजिंग समझ में आ गया। अब इसके हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं ताकि हर एक चीज आपको समझा सके। चलो भाई, अब देखो सबसे पहले हम लोग आ गए यहाँ पे, तो यहाँ देखो चैप्टर लिखा हुआ है, लेसन 5 है हम लोगों का, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हम लोगों को अच्छा से समझना। हाँ, बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इसका मीनिंग और डेफिनेशन को बताओ। तो देखो क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जितना भी रिसोर्सेस आपके पास है, उन सारे रिसोर्सेस को एक साथ यूज करना, उन सारे लोगों को अच्छे से एडजस्ट करना ही आपका मैनेजमेंट, आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। आगे बोला क्वेश्चन पे, ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सही, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज द डिवाइडिंग अप ऑफ द एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू एनी प्रोसेस ऑफ ग्रुप। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप में कामों को बांट देना, और जहां जिन लोगों से काम करवाना है वो कराना। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। बिल्कुल सही, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो आपका जो गोल है उसको, ऑब्जेक्टिव जो है आपको उसका पूरा करने में मदद करता है। इट्स हेल्प टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, सब डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉय। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग, जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी सब डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी को जोड़ने का काम जो है, या उन सभी को जो है आपस में ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ आगे क्वेश्चन बोला, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल सही, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। इसके बाद अब क्या बोल रहा है भाई, इसका डेफिनेशन, यानी किसने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या ऑर्गेनाइजिंग के बारे में क्या कहा। तो देखो बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हेने, हेने ने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन इज ए हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ सम कॉमन पर्पस। उसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी संगठनों का मैत्रीपूर्ण, हार्मोनियस मतलब है मैत्रीपूर्ण, यानी कि अच्छा से सभी चीजों को अच्छे से एडजस्ट करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू मैकफरलैंड, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ गोल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इन्होंने क्या कहा, लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो एक कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए साथ साथ काम करते हैं, इन्हीं लोगों के ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। सही बात है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर एक ही होता है। अब इसका और फीचर्स पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, देयर आर सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहला फीचर्स होता है ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ व्यक्तियों का ग्रुप काम करता है। इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्तियों का ग्रुप होता है। क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन देयर एफर्ट फॉर कॉमन पर्पस एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड कॉमन ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन तभी बनता है जब लोग आपस में एक ग्रुप के रूप में मिलते हैं और साथ साथ मिल करके एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं,
तो एक ऑर्गेनाइजिंग या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर कॉमन पर्पस। अब याद रखना, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं उन सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, ये नहीं कि हर कोई अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। सबका एक कॉमन गोल है, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है और उसी को अचीव करने के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। वही बोला, एवरी ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ गोल फॉर द एंटरप्राइज विच आर सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल गोल्स ऑफ द पीपल एम्प्लॉय। और ये लोगों का जो पर्सनल गोल होता है उससे ये अलग होता है, और जो सबका गोल होता है उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है। आगे चेन ऑफ कमांड, याद रखना एक ऑर्गेनाइजेशन में चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है सत्ता का प्रवाह या ऑर्डर। आखिरकार ऑर्डर कहाँ से आता है? तो नॉर्मली यही देखा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर होता है वो टॉप लेवल से नीचे की ओर आता है, यानी कि वो आपका अपवर्ड टू डाउनवर्ड आता है। टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को कंट्रोल करेगा, मिडिल वाला लोअर, इस तरीके से जो है वो कमांड आता है। बोला गया है, इन ए ऑर्गेनाइजेशन द पावर ऑफ अथॉरिटी एंड चेन ऑफ कमांड फॉलो फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हायर से लोअर लेवल की ओर आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है डिसीजन ऑफ वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है तो सभी लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट पे बांट के काम सौंप दिया जाता है कि देख भाई ये काम तुमको करना है, ये काम तुमको करना है, ये काम तुमको करना है। बोला ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ द टोटल वर्क इनटू वेरियस एक्टिविटी एंड फंक्शन एंड असाइनिंग द टास्क टू डिफरेंट पीपल्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। लोगों का जो स्किल, लोगों का जो नॉलेज, लोगों का जो एबिलिटी है उसके बेस पे उन लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है, ठीक है सर जी। आगे कोऑर्डिनेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एमोंग डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ता है, ठीक है। हाँ सर जी, चलो हो गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ जो है वो सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस को डील नहीं किए, लेकिन आप डील करोगे। हम ये क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए पॉइंट समझा दे रहे हैं, इसको डील आप खुद से करना, क्योंकि डील करना आना चाहिए। इतना नहीं तो क्वेश्चन रट्टा मारोगे जी, अपने से लिखने का स्किल डेवलप होना चाहिए, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है भाई इंपॉर्टेंस में, सबसे पहला स्पेशलाइजेशन, यानी अलग अलग विशिष्टीकरण होता है, रोल क्लियरिटी, लोगों को बता दिया जाता है कि किसको क्या क्या काम करना है। आगे क्लियरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को बता दिया जाता है कि देखो भाई तेरा ये अथॉरिटी है और तेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कार्यों के दोहरीकरण से मुक्ति मिलती है, यानी एक काम को जो है वो बार बार नहीं किया जाता या एक ही काम को दो लोगों को नहीं दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। प्रॉपर बैलेंसिंग, को ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा प्रॉपर बैलेंसिंग कर सकते हैं चीज़ों को। ऑप्टिमम यूजेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और अगर अच्छा से ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो जो मेन पावर है, क्या है जो मेन पावर है, उसको हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हम लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट आर प्रोसेस स्टेप्स स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने का क्या क्या स्टेप है? तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग करने का देखो चार स्टेप होता है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले कार्यों की पहचान की जाती है और लोगों को जो है वो काम सौंप दिया जाता है। दूसरा ग्रुप द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुप जॉब को जो है वो अलग अलग ग्रुप या अलग अलग डिपार्टमेंट पे बांट दिया जाता है। इसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, लोगों को कार्य सौंप दिया जाता है कि देखो अब तुमको ये काम करना है, करो। इसके बाद एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, इसके बाद जो है कामों को देखरेख किया जाता है या देखा जाता है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। चार स्टेप होता है इसका, आपका इसका ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को समझा रहे थे। वैसे तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी है। व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो यू शुड रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब ना इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप थोड़ा सा समझो, नहीं तो ये आपको ना हमेशा कन्फ्यूज करेगा, क्योंकि इसके ऊपर MCQ भी बन के आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि आखिरकार फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो एक लाइन में समझा रहे हैं, हम यहाँ लिखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ हम लोग लिखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
आखिरकार ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये होता क्या है, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, सिंपल बात है। इसके लिए काम करता है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, ये काम करता है सर्विस के लिए। सिंपल सा बात है भाई, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता है, अपने जो मेंबर है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको सर्विस देने के लिए, जरूरतमंद लोगों का मदद करने के लिए, ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे क्या क्या आता है, जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कर लो कोई भी कंपनी आ गया, ठीक है। इसके बाद मान लो आपका कोई भी एंटरप्राइजेज आ गया, ठीक है, कोई भी आपका बिजनेसमैन आ गया। ये सब जो है, ये सब चीज जो पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। जैसे कि आपका बैंकिंग ले लो, बैंकिंग क्या है, पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है भाई, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी ओर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा है, जैसे मान लो NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, मान लो कि ये आप सपोज कर लो आपको अनाथ आश्रम हो गया, क्या हो गया आपका जी, अनाथ आश्रम हो गया आपका। अनाथ आश्रम के बाद सपोज कर लो आपका वृद्धा आश्रम हो गया, इसके बाद सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी कॉलेजेज हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, इसके बाद मंदिर हो गया। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इनफॉर्मल होता है, समझ में। पैसा कमाना है प्रॉफिट कमाना है फॉर्मल, पैसा नहीं कमाना है इनफॉर्मल। अब ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेटेड होता है, क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेटेड। ये ऑब्जेक्टिव को जो है पहले से ऑब्जेक्टिव तय है, उसी को फुलफिल करने के लिए काम करता है, ठीक है। और ये जो है ये सर्विस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काम करता है, ठीक है। और हाँ, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, जो आदमी लोग काम करते हैं, उसमें इम्पर्सनल रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन, इम्पर्सनल रिलेशन, यानी कि अव्यक्तिगत, और इसमें जो होता है वो पर्सनल रिलेशन होता है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो फेवरेटिज्म नहीं पाया जाता है, फेवरेटिज्म नहीं पाया जाता है, पक्षपात नहीं होता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो फेवरेटिज्म पाया जाता है। सबसे ज्यादा अफवाह जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पाया जाता, ठीक है। और डिसिप्लिन, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिटी ऑफ कमांड है तो वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, टॉप मिडिल लोअर, और इनफॉर्मल में जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ में आ रहा है। यानी एक तरीके और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने से स्टार्ट नहीं होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। यानी ऐसा समझ लो कि जो भी अच्छा चीज है वो फॉर्मल का है और जो भी बच गया वो सारा चीज बेचारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, आया समझ में। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हमको समझ में आ गया फॉर्मल इनफॉर्मल क्या। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड फॉर्मल, जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे आता है, जिसमें डिसिप्लिन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन। तो वही बोल रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब ईच बियरिंग ए डिफिनिट मेजर एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जहाँ के लोगों को बता दिया जाता है कि किसका क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या क्या अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। द यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो फ्रॉम टॉप टू द लोअर लेवल, और जो कमांड है वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल की ओर आता है, ठीक है। आगे बोला, इट इज प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ हर चीज प्लानिंग से होता है, हर चीज पहले से तय होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी, और ये ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी के बेसिस पे ही काम करता है ऑफ द एंटरप्राइजेस। आप इसको और बड़ा करना चाहे कर सकते हैं कि इसके बीच जो लोग काम करते हैं उनके बीच इम्पर्सनल रिलेशन पाया जाता है, यहाँ फेवरेटिज्म जो है वो नहीं पाया जाता है, और यहाँ किसी भी तरीके का रूमर्स जो है वो नहीं पाया जाता है, और इसमें डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप ऐसे करके इसको और लंबा लिखना चाहे लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर कि आखिरकार भाई इसका फीचर क्या है। सबसे पहला, प्री डिटरमाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट, प्री डिटरमाइंड गोल्स यहाँ छूट गया, ठीक है, या लिख सकते हैं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो है वो पहले से गोल तय कर दिया जाता है, उसी को फुलफिल करने के लिए काम करता है।
प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, जो ऑर्डर होता है वो टॉप से लोअर लेवल की ओर आता है। इसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है पॉइंट पे हम लोगों को, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, इसका पहले से ही ऑब्जेक्टिव और पर्पस जो है वो तय होता है। इसके बाद नॉट बेस्ड ऑन इमोशन ऑफ एम्प्लॉय, ये लोगों के इमोशंस पे बेस्ड नहीं होता है, यानी कि फेवरेटिज्म नहीं पाया जाता है, इम्पर्सनल रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स फीचर। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहा है, जिसमें पर्सनल रिलेशन होता है, जो सर्विस के लिए काम करता है, जिसमें रूमर सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो अपने आप स्टार्ट हो जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टैब्लिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर मेंबर एंड सोसाइटी, मेंबर और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। आगे बोला इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप एंड इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है किस लिए काम करता है, ये पर्सनल रिलेशनशिप के लिए काम करता है और मेन मोटिव होता है सोशल वर्क करना। आगे बोला इट डज नॉट हैव एन ऑफिशियल चेन ऑफ कम्युनिकेशन, इसके पास कम्युनिकेशन का ऑफिशियल चेन नहीं होता, यानी यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है वो नहीं होता है। बोल रहा है मेंबर इंजॉय मोर फ्रीडम एंड टेक एक्शंस और डिसीजंस, यहाँ जो है मेंबर जो है वो इंजॉय करते हैं, मतलब फ्री रहते हैं और अपने से जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। इट मीट्स द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, इससे जो है सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होता है। ठीक है, आगे फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहला फीचर्स होता है नॉट अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। दूसरा एस्टैब्लिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंबर एंड सोसाइटी, मेंबर एंड सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। पर्सनल रिलेशन एमोंग मेंबर्स, मेंबर्स के बीच पर्सनल रिलेशन होता है। आगे मेंबर्स आर वॉलेंटियर्स, मेंबर जो होता है वो वॉलेंटरी होता है, अपनी इच्छा से आप इसके मेंबर बन सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। आगे इट इज एन अनस्टेबल नेचर, ये अनस्टेबल नेचर का होता है, यानी ये लंबे समय तक के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चलता है। ठीक, अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये भी हो सकता है कि गिव डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, भाई साहब दोनों में अंतर क्या है। बार बार हम बोलते हैं जब कभी भी अंतर आपको बताना है तो आप टेबल में बताओगे, और इस तरीके का टेबल हमेशा बताओगे जब आप इन्हीं दो टॉपिक के बीच अंतर बताओगे। सबसे पहला डिफरेंस जब बताओगे आप तो सीरियल नंबर लिखोगे, दूसरा में बेसिस लिखोगे जिसके बेस पे अंतर बताओगे, और यहाँ उन दो चीज़ों को लिखोगे जिसके बीच अंतर बता रहे हो, तो बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला देखो मीनिंग जो अभी हम ऊपर लिखवाएं वही अंतर है मीनिंग का। ठीक है, तो मीनिंग आप देख लेना। दूसरा हम लोग का बेसिस है अंतर करने का मोटिव। तो जैसा हम सबको पता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है और ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद नेचर, इसका मतलब है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल होता है, यानी लंबे समय तक चलता है, स्थिर रहता है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनस्टेबल नेचर का होता है। इसके बाद फॉलो ऑफ कमांड, जैसे अभी हम लोग बताएं कि जो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ फॉलो ऑफ कमांड जो होता है वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल लोअर लेवल की ओर जो है वो आता है। ठीक है, वही बोल रहा है फॉलो ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, लेकिन यहाँ जो है वो किसी भी तरीके का ये चीज़ नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर, तो बोला गया इट हैज ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेल डिफाइंड होता है लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनक्लियर होता है, वो क्लियर नहीं होता है। इसके बाद रिलेशन, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इम्पर्सनल रिलेशन पाया जाता है, कौन सा रिलेशन, इम्पर्सनल, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल रिलेशन पाया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूमर्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूमर्स नहीं होता है या तो कम होता है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो है वो रूमर्स पाया जाता है। क्रिएशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, सॉरी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो क्रिएट हो जाता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बनाना पड़ता है। आया समझ में? वो तीन चार आप खुद से भी चाहे तो पॉइंट आउट कर सकते हो और उसको लिख सकते हो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीन छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब ध्यान से समझना, हाँ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज कर लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया है और आप अकेले से जो है वो पूरे काम को आप नहीं कर पा रहे हो। आप एक कंपनी के, सपोज कर लो एक कंपनी के आप मैनेजर हो, ठीक है, या सुपरवाइजर हो आप, आपके यहाँ काम का बहुत सारा लोड आ गया है और आप अकेले उस काम को नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपना काम का जो भार है, अपना जो वर्क लोड है, वो वर्क आप किसी दूसरे को सौंप दोगे कि भाई मेरा ये काम तुम कर दो। तो जब हम अपना काम, अपना कोई राइट्स दूसरे को देते हैं,
तो ये कहलाता है हम लोगों का डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब कोई वर्क किसी दूसरे को हम दे रहे हैं, और सिर्फ वर्क ही नहीं, उस वर्क से रिलेटेड जो राइट्स है वो राइट्स भी हम उसको दे रहे हैं। अब सपोज कर लो कि हम किसी आदमी को, हम सुपरवाइजर थे, हमको वो काम करने का समय नहीं हो रहा था, तो हम किसी दूसरे आदमी को यानी अपने से लोअर लेवल वाले को हम किसी वर्कर्स के थ्रू हम वो काम करवा रहे हैं, तो हम उसको वो वर्क भी दिए और उसके साथ साथ रिलेटेड अथॉरिटी भी दिए कि कुछ कुछ डिसीजन वो उसमें ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, सीक्रेट वर्क के नोट भी डेलीगेटेड, जो सीक्रेट वर्क होता है उसको डेलीगेट किया नहीं जा सकता है, ठीक है। हाँ, और अगर मान लो आप जिसको वो डेलीगेट किए हो, आप जिसको जो हो काम सौंपे हो, वो आपका सब ऑर्डिनेट्स कहलाएगा। अब सपोज कर लो कि अगर काम में कोई गड़बड़ी हो गया या वो सही से काम नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन पे अगर आपसे टॉप लेवल वाला सवाल पूछेगा तो उसके लिए आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहराओगे कि बोलोगे कि सर देखिए यही ये काम किया है, इसी का गलती है, यही किया था काम, इसके वजह से हुआ। नहीं, क्योंकि वो काम आपको मिला था तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको वो काम करना है, लेकिन आपको वो काम नहीं हो रहा था या समय नहीं हो रहा था, तो आप अपना काम दूसरे को दिए थे, तो वो जो सब ऑर्डिनेट्स है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यानी वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही आपको उठाना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होगा। आप सिर्फ उसको वर्क दे सकते हो और उस वर्क से रिलेटेड राइट्स दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दे सकते उसको, अकाउंटेबिलिटी आपको नहीं दे सकते हो, जवाबदेही आपका है। आई बात समझ में? इस चीज को आप याद रखोगे, ठीक है भाई। चलो, अब वही चीज बोल रहा है, देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी बिटवीन ए मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर अपना काम अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। डेलीगेशन इज ए प्रोसेस व्हेन ए पर्सन शेयर हिज वर्क लोड टू द अनदर पर्सन। जब एक पर्सन अपना वर्क लोड को दूसरे को दे देता है तो ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मेनली फोर एलिमेंट्स आर पासेस इन डेलीगेशन। मेनली डेलीगेशन में जो है वो चार एलिमेंट्स आता है। इन अदर वर्ड्स, डेलीगेशन मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सब ऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। आप डेलीगेशन का मतलब होता है कि आप अपने सब ऑर्डिनेट्स को जो है वो कोई काम सौंप रहे हो और उस काम से रिलेटेड उसको जो है वो राइट्स भी आप दे रहे हो कि कुछ कुछ डिसीजन वो ले सके, वो भी लिमिटेशन के साथ, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण क्या है। देखो, सेंट्रलाइजेशन और नेक्स्ट उसी के नीचे पूछा है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो इन दोनों का मतलब समझ लो कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सिंपल बात है, सपोज कर लो कि पूरा एक कंपनी है, पूरा एक कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जितने भी एम्प्लॉय है, उस पूरे कंपनी को चलाने का कंट्रोल एक आदमी अपने पास रखा है, पूरे कंपनी को चलाने का कंट्रोल एक आदमी अपने पास रखा है और खुद ही जो है वो सारे चीज को वो कंट्रोल करता है। कंपनी कब खुलेगा, कब बंद होगा, किसको काम करना है, नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, एवरी अथॉरिटी एक आदमी अपने पास सारा अथॉरिटी को रखा है, एक आदमी अपने पास सारा अथॉरिटी को रखा है, तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाएगा, ठीक। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये एक अकेला आदमी अपने पास सारा अथॉरिटी को नहीं रखा, अलग अलग डिपार्टमेंट पे अथॉरिटी को बांट दिया, अपने पास अथॉरिटी नहीं रखा, अपने पास रखेगा तो सेंट्रलाइजेशन, और जब वो वही अथॉरिटी वेरियस डिपार्टमेंट के बीच बांट देगा, सब लोगों को, सब डिपार्टमेंट को अलग अलग अथॉरिटी दे देगा, इसको कुछ अथॉरिटी, इसको कुछ अथॉरिटी, इसको कुछ, इसको कुछ, इसको कुछ, अपने पास भी रखेगा लेकिन अथॉरिटी को वो डिवाइड कर देगा, तो ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल है, पावर अथॉरिटी अपने पास रखेगा, सेंट्रलाइजेशन पावर अथॉरिटी को अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर देगा, अलग अलग मैनेजर्स के बीच बांट देगा, तो ये कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? अब देखो, सेंट्रलाइजेशन में क्या बोल रहा है, सेंट्रलाइजेशन रेफर टू द पावर ऑफ अथॉरिटी कंट्रोलिंग एंड डिसीजंस मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, मतलब एक आदमी के पास है। इन अदर वर्ड्स, एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी सेंट्रलाइज्ड व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, वही सबको कंट्रोल करेगा, एक आदमी सबको कंट्रोल करेगा, तो ये होगा सेंट्रलाइजेशन। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो जस्ट उसका उल्टा। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच आप उसको बांट दिए। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय मेकिंग एट ए डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी। अलग अलग लोगों के बीच जो है वो बांट दिया गया, ठीक है। इसको इस तरीके से समझते हैं, देखो ये हम लोगों को पता है थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है,
ये हम लोगों का क्या होता है भाई, थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, ये हम लोगों का थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो अगर मान लो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर कंट्रोल करने का काम, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का काम अगर ये टॉप लेवल कर रहा है, टॉप लेवल अपने पास सारा अथॉरिटी को रखा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद टॉप लेवल सारा अथॉरिटी को अपने पास नहीं रखा, सबके पास बांट दिया, कुछ अपने पास रखा, कुछ मिडिल लेवल को बांट दिया, कुछ लोअर लेवल को बांट दिया, सबके बीच अथॉरिटी बांट दिया, तो ये कहलाता है हम लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए सर जी, बस इतना ही इस क्वेश्चन में जो है पढ़ने के लिए है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर इन्हीं चीजों को आप अच्छा से करते हो तो बस हो गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आई होप एक एक करके सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि भाई चीजों को डिटेल में समझाना है, क्योंकि एग्जाम में कम समय बचा है, और तैयारी इस तरीके से करो कि भाई एक बार वीडियो देखते ही जो सब चीज जो है वो क्लियर हो जाओ और आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाओ। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करो, कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी हमको भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना। और अगर आपका कोई दोस्त है जो क्लास 12th या 11th में है तो उनके बीच भी चैनल को जरूर शेयर कर देना और उनसे भी सब्सक्राइब जरूर करवा लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।